सभी को मेरा नमस्ते। देखिए, इस दुनिया को देखने की दृष्टि तो सभी के अंदर होती है। ये दृष्टि कोई बहुत विशेष दृष्टि नहीं है, तो साधारण दृष्टि है, और ये साधारण दृष्टि सबके अंदर होती है। लेकिन अगर मैं आपको आपकी दृष्टि की एक विशेषता की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूं, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप ना सिर्फ इस दुनिया को देख सकते हैं, इस संसार को देख सकते हैं, बल्कि आप अपने शरीर को भी देख सकते हैं। और अगर आप अपने शरीर को ना देख सकते होते, तो आप कभी ये ना कह पाते कि आपका शरीर पहले छोटा था, फिर आपका शरीर बड़ा हुआ, फिर आपका शरीर वयस्क हुआ, फिर आपका शरीर बूढ़ा हो गया। ये आप तभी कह पाते हैं जब आप अपने शरीर को देखने की आपकी दृष्टि के अंदर क्षमता हो। भले ही आप कभी ध्यान ना देते हों, लेकिन आपकी दृष्टि के अंदर ये क्षमता है कि आपकी दृष्टि आपके शरीर को देख सकती है। ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार आपकी दृष्टि आपके शरीर को देख सकती है, आपकी दृष्टि आपके मन को भी देख सकती है। तभी तो आप ये कह पाते हैं कि कल मेरा मूड ठीक नहीं था, आज मेरा मूड ठीक है, कल मेरे अंदर इस प्रकार की भावना आई, कल उस व्यक्ति को देखा तो मेरे अंदर इस प्रकार की भावना आई, उस व्यक्ति को देखा तो मेरे अंदर इस प्रकार की भावना आई, इस पल मेरे अंदर इस तरीके की भावना थी, उस पल मेरे अंदर उस तरीके की भावना थी, इस पल मेरे अंदर इस तरीके के विचार थे, उस पल मेरे अंदर उस प्रकार के विचार थे। तो आप अपने विचारों को भी देख पाते हैं, अपनी भावनाओं को भी देख पाते हैं। सरल शब्दों में कहें तो आप अपने मन को भी देख पाते हैं। तो आपकी दृष्टि के अंदर एक विशेषता है कि आप ना सिर्फ इस संसार को देख सकते हैं, इस दुनिया को देख सकते हैं, बल्कि आप अपने शरीर को भी देख सकते हैं, आप अपने मन को भी देख सकते हैं। और अगर आप सिर्फ एक काम करें, अपनी इस दृष्टि की योग्यता का अगर इस्तेमाल करें, जान करके, अगर आप जानबूझ करके इसका इस्तेमाल करें, कॉन्शियसली इसका इस्तेमाल करें, तो आप एक नई दृष्टि पैदा कर सकते हैं। और ये नई दृष्टि बहुत ही विशेष दृष्टि है। आप जब भी इस जगत को देखें, आप जब भी इस दुनिया को देखें, जब भी आप इस संसार को देखें, तो आप अपने शरीर और मन को इस संसार में इंक्लूड करके देखें, इस संसार में जोड़ करके देखें, इस संसार में ऐड करके देखें। जब आप अपने शरीर और मन को इस संसार के साथ जोड़ करके देखते हैं, तो आपकी दृष्टि, जैसे जब संसार के प्रति रहती है तो संसार आपसे अलग रहता है, वैसे ही जब आप अपनी दृष्टि में अपने शरीर और मन को भी शामिल कर लेते हैं, तो आपका शरीर और मन भी आपसे अलग हो जाता है। तो आपकी दृष्टि में, आप विशेष दृष्टि में क्या आता है? आपका शरीर, आपका मन और आपका संसार, ये तीनों इसके अंदर इंक्लूडेड हो गए और आप इन तीनों से अलग हो गए। इस प्रकार की दृष्टि को, इस प्रकार के विजन को हम कहते हैं नई दृष्टि। ये नई दृष्टि और नया विजन हर प्रकार की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए जरूरी है। और ना सिर्फ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए जरूरी है, ये आपके अंदर एक एंटी स्क्रैच कोटिंग कर देता है। आप ये दृष्टि ऐसी है, जिस दृष्टि का जब आप आवाहन करते हैं, तो आपको भावनाओं की जो एनर्जी फील्ड है वो टच नहीं कर पाती। आपको थॉट्स की जो नेगेटिविटी है, उसका जो झटका है, वो आपको स्क्रैच नहीं कर पाता, आपको चोटिल नहीं कर पाता। और शरीर का डर, वो उसकी एक एनर्जी फील्ड जो कि शरीर के डर से पैदा होती है, क्योंकि शरीर तो हमेशा असुरक्षित रहता है, उससे आप अपने आप को अलग करके देख पाते हैं और वो आपको टच नहीं कर पाता। और इस प्रकार आप प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं। तो ये प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है। और यहीं से इस नई दृष्टि के साथ ही सारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की शुरुआत होती है। तो सबको ये नई दृष्टि रखने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे शास्त्र में इस प्रकार की दृष्टि को बताया गया है, साक्षी दृष्टि। तो जब आप सिर्फ जगत को देखते हैं, तो फिर आप साधारण दृष्टि से देखते हैं, ये दृष्टि सबके अंदर पाई जाती है। लेकिन जब आप उस जगत के अंदर, उस संसार के अंदर अपने शरीर और मन को जोड़ देते हैं, और तब आप देखते हैं, तो संसार शरीर, संसार सिर्फ संसार नहीं रह जाता, संसार के अंदर शरीर और मन भी आपका चला जाता है। और तो आपके लिए संसार क्या हो जाता है? शरीर प्लस मन प्लस
प्लस संसार, शरीर प्लस मन प्लस संसार, इसे हमारे शास्त्रों में जगत बताया गया। तो जब आप जगत को देखते हैं, जगत के प्रति एक दृष्टि पैदा करते हैं, तो आप जगत से अलग हो जाते हैं। पर इसके बहुत बड़े महत्व हैं, इसका बहुत फायदा है। देखिए, जब आप शरीर और मन रहते हैं, आप सिर्फ जब जगत को देखते हैं, सिर्फ संसार को देखते हैं, तो आप शरीर और मन बन करके देखते हैं, आप शरीर और मन बन करके जगत को ही देख सकते हैं। तो जब आप शरीर और मन से अपने आप को जोड़ करके देखते हैं, तब आप जगत को देखते हैं। लेकिन शरीर और मन से जब आप अपने आप को जोड़ लेते हैं, तो आपकी ये दृष्टि जो होती है, उसके अंदर जागृति नहीं होती, दृष्टि में हमेशा एक नींद रहती। बड़बड़ाते हुए लोग इसीलिए चलते हैं, क्योंकि वो इस नींद में रहते हैं। शरीर और मन एक नींद लाता है, वो आपको अनकॉन्शियस बना देता है। लेकिन जब आप शरीर और मन से अलग करके अपने आप को देखते हैं, शरीर मन जगत से अपने आप को अलग करके देखते हैं, तो फिर आप नींद में नहीं रहते, आप किसी नशे में नहीं रहते, तब आपके अंदर जो चीज होती है उसे कहते हैं जागृति। जागृति आती है शरीर मन और जगत से अपने आप, शरीर मन और संसार से अपने आप को अलग करके देखना। इसी जागृति को हम कहते हैं कॉन्शियसनेस, इसी जागृति को हम कहते हैं प्रेजेंस। तो जब ये जागृति या प्रेजेंस या कॉन्शियसनेस हमारे अंदर आ जाती है, हमारी आदत बना लेते हैं धीरे धीरे शरीर मन और जगत, शरीर मन और संसार तीनों को एक साथ देखने का। अपनी दृष्टि में ना सिर्फ संसार को रखते हैं, बल्कि शरीर और मन को भी अपनी दृष्टि के दायरे में ले आ देते हैं, तो हम कॉन्शियस हो जाते हैं। तो हमारी दृष्टि विशेष दृष्टि बन जाती है, और तब वहीं से हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी शुरू होती है, और हमारे ऊपर कोई स्क्रैच भी नहीं लग पाता, किसी नेगेटिविटी के हम विक्टिम भी नहीं बनते हैं।